नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है और साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे अद्भुत उपाय के बारे में जिसके बाद आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी और आपको इतने अधिक धन की प्राप्ति होगी कि 7 जन्मों तक भी आपका धन समाप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, और आप जो कुछ भी मांगेंगे वो यह फल का टुकड़ा आपको दे देगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बेशक आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ही सत्य है। फल का ये एक छोटा सा टुकड़ा आपके भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इस फल के अंदर ऐसा क्या है जिसके द्वारा हम मालामाल हो जाएंगे। तो आप सभी को बता दूं कि इस फल के टुकड़े के अंदर माँ सरस्वती और भगवान विष्णु और उनकी प्रिय पत्नी यानी कि महालक्ष्मी निवास करती है। और इतना ही नहीं, अगर आप बसंत पंचमी के दिन इस फल के टुकड़े को अपने घर में ले आते हैं, उसकी पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, ना ही आप उसको अभिमंत्रित करते हैं, उसके पश्चात भी यह आपका बेड़ा पार लगा देगा और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ सरस्वती तीनों का ही यह फल अति प्रिय है। दोस्तों, यह फल जिस घर में भी आ जाता है, इस फल के एक टुकड़े की वजह से उस परिवार का हर सदस्य करोड़ों में खेलता है। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाती। यह फल नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी के चरण है। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा और आपको अत्यधिक उत्सुकता बन रही होगी कि वह कौन सा फल है जो कि स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का इतना अधिक प्रिय है और माँ सरस्वती यानी कि विद्या की देवी जिसके अंदर वास करती है। और अगर वह हमारे पास आ गया तो विद्या, बुद्धि और उसी के साथ धन, हर किसी के हम इकलौते मालिक बन सकते हैं। जिसके पास विद्या होती है, धन होता है, दुनिया उसके कदम चूमती है। दोस्तों, अगर विद्या आपके पास होगी, बुद्धि आपके पास होगी, तो कोई भी व्यक्ति आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। दुनिया में कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। हर जगह आपकी किस्मत आगे ही आगे चलेगी और आपको धन की, तरक्की की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप इतना धन दौलत बटोर लेंगे कि आपकी 7 पुश्तें भी उस धन दौलत को नहीं संभाल पाएंगी। आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ पास वाली बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। और यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए। आप सभी को पता है कि माँ सरस्वती विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, संगीत में वास करती है और इसी फल के अंदर यह सब चीजें मौजूद हैं और यही सब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनते चलिए और इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस साल बसंत पंचमी का जो पर्व है वह 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:03 तक रहने वाला है। और शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इस फल के एक टुकड़े को अपने घर में लेकर आ जाते हैं तो पूरे साल न केवल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, बल्कि आप विद्या के भी बहुत बड़े ज्ञाता बन जाएंगे, यानी कि आप सर्वज्ञ ज्ञानी बन जाएंगे अगर आप इस एक छोटी सी चीज को अपने घर में ले आते हैं। और अगर आप बसंत पंचमी के दिन इसकी पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसका लाखों गुना फल प्राप्त होगा। वहीं अगर आप इस फल के टुकड़े को लेकर आते हैं तो आप धन और बुद्धि, विद्या तीनों के स्वामी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वह कौन सा फल है जो कि आपको बसंत पंचमी के दिन अपने घर पर लेकर आना है। लेकिन उससे पहले एक बार आपसे फिर से वही प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।
अगर आप इस फल को बसंत पंचमी के दिन नहीं लाते हैं तो आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। अगर आप सच में ही अपनी पूजा को संपन्न करना चाहते हैं तब आपको इस फल को बसंत पंचमी के दिन अपने घर में जरूर लेकर आना है। अगर आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ ना भी कर पाए तो सिर्फ मात्र इस फल के टुकड़े को लाकर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चरणों में रख दें तो उसी पल से आप अपने घर में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे और अगले दिन तक तो आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, पैसों के बारे में आप किस प्रकार से सोचने लगे हैं, धन खींचा हुआ आपके पास चला आएगा। अलग अलग मार्गों से आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से धन बहाने मार मार के आपके पास आ रहा है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उस फल के बारे में, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यह जो फल है वह फल है गूलर का। जी हाँ दोस्तों, ये गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं है। गूलर के फल को जो भी व्यक्ति घर में लेकर आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों ये कोई भी हवा हवाई या यूं ही कही गई बात नहीं है, ये सब शास्त्रों में प्रमाणित की गई जानकारी है। एक समय की बात है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यह जो बात बताने जा रही हूँ आपके हर प्रकार के संदेह को यह दूर कर देगा। एक समय की बात है जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार करके वापस जा रहे थे तब उनके हाथों में खून लगा हुआ था जिसके कारण उनके हाथों में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही थी। तब भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को जो कि उनके आसपास में था उन्होंने उस वृक्ष को देखा और अपने नाखूनों को उसके अंदर घुसा दिया। जैसे ही नरसिंह जी ने गूलर के पेड़ में अपने नाखूनों को घुसाया तुरंत ही भगवान नरसिंह के हाथों की जो खुजली थी वह अपने आप ही समाप्त हो गई, लेकिन गूलर का जो वृक्ष था वो दर्द से कराहने लगा, उसे बहुत तेजी से दर्द होने लगा। उसने भगवान नरसिंह से कहा कि हे भगवान, आपने अपने नाखूनों को मेरे अंदर चुभा करके अपनी खुजली तो मिटा ली, लेकिन अब मेरे दर्द का क्या, मैं इस असहनीय पीड़ा से कैसे निकलूं? तब भगवान नरसिंह ने उस पर दया की और उसे वरदान दिया और वरदान स्वरूप उसको कहा कि मैं आज से भगवान नरसिंह यानी कि विष्णु रूप में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ तुम्हारे अंदर ही वास करूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त में तुम्हारे फल के किसी एक टुकड़े को भी अपने घर में अपने पास रख लेता है तो वह दुनिया के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, धन और विद्या दोनों उसके पास होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि गूलर के फल को आखिर हमें किस प्रकार लाना है और कब लेकर आना है। तो देखिए, वसंत पंचमी का जो दिन होता है वह अपने आप में ही बहुत खास मुहूर्त वाला दिन होता है। तो आप सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लें, फिर आपके घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो तो आप सूर्यास्त से पहले उस वृक्ष के पास जाएं और वह लोटे का जल वृक्ष में चढ़ा दें और फिर आपको गूलर के वृक्ष से अनुमति लेनी होगी और अनुमति लेने के बाद आपको 5 गूलर के वृक्ष के जो फल हैं उन्हें तोड़ लेना है। अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उसके अंदर भगवान का वास है। अनुमति लेने के पश्चात ही आप 5 गूलर के टुकड़े यानी 5 गूलर के फल तोड़ें। इसको आपको अपने घर में लेकर आना है। घर पर लाने के बाद आप इसे लाल कपड़े में लपेट दीजिए और आपके घर में जो भी पूजा स्थान है आप वहां पर इनको स्थापित कर दें। बसंत पंचमी के दिन जो यह शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया था, सुबह के समय अगर आप लेकर आते हैं तो यह अति उत्तम होगा। इतना सा उपाय यदि आप बसंत पंचमी के दिन कर लेते हैं तो आपके घर में साक्षात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का वास हो जाता है। तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। आपके घर में हर प्रकार की जो भी नेगेटिविटी, गरीबी, दरिद्रता और कोई भी यदि कष्ट है उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर हो सके तो आप इसे भी अपने घर में जरूर लेकर आइएगा। ये जो फल है वह है सीताफल। दोस्तों सीताफल माँ लक्ष्मी जी का अत्यंत ही प्रिय फल है क्योंकि सीता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है।
तो अगर आप बसंत पंचमी के दिन सीताफल को भी शुभ मुहूर्त में लेकर आते हैं और अपने घर में लाने के पश्चात आपको उसकी पूजा करनी है, मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध करना है। एक ही मंत्र है जो कि बीज मंत्र है, वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको माता सरस्वती का बीज मंत्र बोलते हुए सीताफल को अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। इसके पश्चात विद्या और लक्ष्मी दोनों आपके घर के अंदर वास करने लगेंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपके मन में अभी भी कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं अवश्य ही उसका रिप्लाई दूंगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन मैं आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान हेतु बिल्कुल मुफ्त में हर रोज वीडियो अपलोड करती हूँ। कल फिर पुनः आपसे भेंट होगी इसी प्रकार की किसी नई समस्या के समाधान हेतु। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।